अंदर आ जाओ मेरे साथ, सारे आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ। ये गाड़ी है, ये बच्चों की गाड़ी, ये बच्चे की हरामजादे की। अच्छा, ये सारा कपड़ा बाहर रख लो।
आई थिंक पहले नहीं मुतमिन थी कि जिस तरह से उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है, वो भी आई थिंक वो भी लड़की हैं और वो कैसे इस तरह कर सकती हैं मेरे साथ, और उन्हें मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए थी पुलिस स्टेशन के बाहर आके, मैं शायद उन्हें माफ़ कर देती और ये पर्चा खारिज भी ना कराती, मैं यहाँ से वापस चली जाती उसी वक्त। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, उन लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और वो लोग उल्टा मुझे कह, मुझे वो चाह रहे हैं कि वो मुझे पैसों से खरीद लेंगे। ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं हो सकता, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इस मुल्क से इंसाफ लेके रहूंगी। आप 506 बी का मुतालबा कर रही हैं, आपका मुतालबा सुना नहीं जा रहा, आप अभी आप यहाँ पे बाहर खड़ी हैं, आप घर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई क्या नेक्स्ट क्या आपका लाइहा मल हुआ? 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं कभी मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। 5 दिन हो गए मैं होश में ही नहीं हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है, इतना जुल्म, इतना जुल्म, और फिर ऊपर से और ज्यादा उस तरह की वीडियोस वायरल कर रही हैं ये खवातीन के, इन्हें इनके अंदर दिल है ही नहीं मुझे लग रहा। आप कोर्ट में जा रही हैं या विड्रॉ कर रही हैं? मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं एंड तक जाऊंगी। आपके जो लॉयर हैं आपके साथ, उनके साथ क्या मशावरत हुई अब तक FIR के ऊपर? जितने मेरे लोग और मेरा जो लॉयर मेरे साथ है उसमें बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से हम लोग ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर, कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, और एंड तक वो इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है। कोई और होता तो पता नहीं वो चला जाता, लेकिन मैं इसका बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी, इस पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वाहिद मेरे लॉयर। एक जो क्वेश्चन है जो सर्टेनली अभी हमारी बातचीत हुई है मलिक राज साहब की साइड से जो लॉयर थे उनके, उनका ये कहना है कि जो लोग आपके घर के अंदर आए उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जो जैसे आप बता रही हैं, उनके मुताबिक कोई उनके पास असलहा भी नहीं था, आप उसका भी जिक्र कर रही हैं। साफ नजर आ रहा है असलहा, उनके पास असलहा नहीं था, जिस तरह से वो औरतें गालियां दे रही हैं, असलहा उन्होंने हमारे पर ताने उठा उठा के, गार्ड्स मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, शायद आपने वीडियो नहीं देखी, आप दोबारा वीडियो देखें, उसमें गौर से देखें कि गार्ड मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और सारी औरतों ने मेरे ऊपर हमला किया हुआ है। जी भाई, आपका नाम क्या है और चांद रात को क्या हुआ, और मलिक रियाज के जो साली का बेटा है वो क्या कर रहा था? मेरा नाम हुमा खान है, मेरा शोबिज़ से ताल्लुक है, और चांद रात वाले दिन मेरी बहन इत्तकाफ़ पे बैठी हुई थी और वो बाहर आई, उस्मान उनको मुबारक देने के लिए आए थे, पीछे से एकदम शीशे टूटना शुरू हो गए और एकदम आदमी आ गए हमारे यहाँ पे, गन सट दी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरी बहन का रूप भी बंद कर लिया, जैसे मैंने चीखना शुरू किया किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कुछ सुन नहीं रहा था, उस माँ को मारते रुके मारते। कौन लोग थे जिन्होंने धावा बोला तोड़ फोड़ की? बस मीना यास मलिक की फैमिली की औरतें थी, उनके गार्ड्स थे बहुत ज्यादा, उनके सामने आए थे, बदतमीजी करते रहे। तो क्या वजह बनी, रीजन क्या थी इसके पीछे मारने की तोड़? इस तरह किसी के घर आना, चीजें तोड़ना, इस तरह कौन करता? वो जो अल्जामात लगा रहे हैं आप लोगों पे, वो कितनी हकीकत है उसमें? सब कुछ झूठ है, वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, अल्लाह ने बाकी वीडियोस भी खुद ही बना के गए थे, खुद ही वायरल की, खुद फंस गए हैं, और वीडियो में सब कुछ है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, उनकी फैमिली की जितनी औरतें भी सब दिख रही है। उन्होंने अल्जामात आपकी सिस्टर पे लगाए हैं, आप पे लगाए हैं, उस्मान मलिक कब से आपके साथ रابطے में था, क्या कुछ नजायज ताल्लुकात थे, हाँ या नहीं? अगर उनकी मेरी बहन से दोस्ती थी, इसका मतलब कि इस तरह ऐसे कौन करता है? वो झूठे लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, बस वो यूज कर रहे हैं और हमें गलत प्रूफ कह रहे हैं। इस टाइम पे पूरा मीडिया हमारे साथ है, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है, और वो लोग गलत है। आसमान है, ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि
Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हसान, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसान खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसान खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट. वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं. उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं. सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हजबेंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू. सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है. ये उन लड़कियों का घर नहीं था. मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी. दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी. मेरा एक 11 साल का बच्चा है. आई एम श्योर जिन सबकी औलादे हैं और जो औरतें इस सबसे गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज. बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है. आई नो ही इज द पर्सन हुज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट. उसको तो मैंने छोड़ दिया है. बात यह है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं. ये कौन सा इतकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है. ये इतकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी. आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा. ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी. हसान खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान, हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान. सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है. मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर. जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती. आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड. एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर. हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वेमेन, देयर होम रेकर्स. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है. इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता. आई जस्ट मलिक रियाज साहब किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये वकार ज़का है जिसकी कीमत लगाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. मिस्टर, जितने पैसे आप यहाँ हम लोगों को देने की बात कर रहे हो, कैसा हो कि अगर आप इस खातून को बोलो जेल में. आवाम का इंटरेस्ट है कि मैं वो ऑडियो कॉल आपको सुनवा दूँ किस तरीके से मलिक रियाज साहब की टीम खरीदने की कोशिश कर रही है मुझे.